गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे पार्ट 9 हिंदी का, जिसका नाम है अब तो आओ बरखा रानी। ठीक है, आप जानते हो बरखा रानी मतलब बरखा, यहाँ बारिश को कहा गया है। आपको पता है कि जब बारिश होती है तो बच्चे कितने खुश होते हैं, है ना। बच्चों ने देखा कि बहुत ज़्यादा पौधे प्यासे हैं, धरती प्यासी है, चारों ओर क्या है, बहुत ज़्यादा उदासी उदासी छाई हुई है। तो फिर क्या है, उन्होंने सोचा कि बरखा रानी आएगी तब क्या होगा, तब हम खूब मज़े करेंगे, पानी में नाव चलाएंगे, तुम भी चलाते होंगे, है ना। तो और क्या करेंगे, पानी की बूंदों में जी भर कर नहाएंगे और खूब मनमानी करेंगे। ये देखो बच्चे खुश भी नज़र आ रहे हैं आपको, ठीक है। तो देखिए अब हम अपना चैप्टर पढ़ते हैं, कविता। पौधे प्यासे, धरती प्यासी, छाई चारों ओर उदासी, बिन पानी के पंछी तड़पे, सूख रही सब फसलें धानी, अब तो आओ बरखा रानी। गर्म हवाएं चलती भारी, लगी पसीने की बीमारी, जीना हो गया मुश्किल, याद आ गई हमको नानी, अब तो आओ बरखा रानी। अब बच्चे क्या कहते हैं, बहुत गर्म गर्म हवाएं चल रही हैं, बहुत तेज तेज, और उन्हें क्या हो रहा है, पसीना आ रहे हैं बहुत ज़्यादा। अब वो कहते हैं कि बहुत ज़्यादा हमें तो मुश्किल हो गया है जीना, बरखा रानी तुम जल्दी से आ जाओ, है ना। फिर क्या करेंगे जल्दी से, बारिश आएगी तो देखिए कविता में क्या है, मजा हमें आएगा तब, पानी में नाव चलेगी जब, बूंदों में नहाएंगे जी भर, खूब करेंगे हम मनमानी, अब तो आओ बरखा रानी। तो ठीक है, तो बच्चे क्या करेंगे, बच्चों को, बच्चे बारिश को बुला रहे हैं, वो कह रहे हैं कि बहुत गर्मी हो रही है, और वो प्रार्थना कर रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं, और वो बोल रहे हैं कि हे बरखा रानी तुम जल्दी से आ जाओ। तो बच्चों अब हमारी कविता कंप्लीट हो गई है, ठीक है। आप इसकी चार लाइनें जरूर याद कर लेना, बहुत ही सुंदर पोएम है ये, और चार चार करके ये पूरी पोएम आपको याद हो जाएगी, ठीक है। और अगर आप चाहो तो आप चार लाइन की एक छोटी सी वीडियो बना के मुझे भेज सकते हो, ठीक है, कि आपको कविता याद हो गई है। और मैंने ये प्रश्नोत्तर आपको फिल कर दिए हैं, आप इन प्रश्नोत्तरों को कर लेना, फिर हम अगला चैप्टर पढ़ाएंगे, पार्ट 10। धन्यवाद।